खुशी रहने लगती हैं। एक जंगल में चिंटू नाम का कबूतर नारियल पानी बेचा करता था। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। अरे चिंटू भैया, एक नारियल दे दो। हाँ हाँ बहन, लो। वे नारियल पानी बेचकर घर आता है। लो टोनी, ये पैसे ले लो। ये पैसे संभाल के रख देना, इसमें से कुछ पैसे हमारी बच्ची की पढ़ाई के लिए काम में आएंगे। ठीक है जी, लेकिन आप अपने ऊपर तो ध्यान दीजिए। आप तो सारा दिन बाहर रहते हैं, आप तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अरे टोनी, मैं क्या अपने ऊपर ध्यान दूँ? हमारी एक बच्ची है, मुझे उसके भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। अब उसका भी हमारे सिवा कौन है करने वाला? अपनी बच्ची का हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसीलिए अपने बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले अपनी बच्ची के बारे में सोचेंगे। अगले दिन चिंटू नारियल पानी बेचने के लिए जाता है, परंतु उस पर बाघ हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये सब एक कौवी देख रही होती है। वह टोनी के पास आती है और उसे सब कुछ बता देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति की उस बात से क्या दुश्मनी थी? वो क्यों मेरे पति को मारेगा? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया की बेटी उसके पास फल लेकर आती है। माँ माँ, लो ये खा लो, आपने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया। बेटा मैं क्या खा लूं? मैं तो मरना चाहती हूँ। वो खुद चलेगा और मुझे यही छोड़ गए। माँ मेरे बारे में तो सोचो, अगर तुम भी नहीं खाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी? उसकी इतना कहने पर ही टोनी फल खा लेती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे को पालना होता है। अगले दिन वह अपनी बेटी से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम घर पर ही रहना, नारियल पानी बेचने मैं जाऊंगी। ये कहकर वह घर से निकल जाती है। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। ए टोनी चिड़िया, यहाँ पर सब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, यहाँ पर नारियल पानी कोई नहीं पीता है। जा अपना नारियल पानी का ठेला कहीं और जाके लगा। ठीक है भैया, मैं कहीं और लगा लेती हूँ। टोनी चिड़िया अपना नारियल पानी का ठेला थोड़ी दूर पर लगा लेती है, परंतु जंगल की पक्षी